23 की बात करूं तो हमारा मेरिट रहा है, ये जो पोजीशन है तो फिर आप सेफ साइड में है। अच्छा, अब आप 50-50 पे चले गए, ये कंफर्म लाइन है, फिर आपका एडमिशन कंफर्म है। कामयाबी कभी किसी इंसान को दुनिया में सिर्फ हार्ड वर्किंग की बुनियाद पर नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बात करेंगे MBBS में एडमिशन के हवाले से कि MBBS में अपने एडमिशन को कैसे कंफर्म किया जा सकता है और किन बातों को हमें अपने सामने रखना चाहिए। खास तौर पे आज हमारी बात का सेंटर जो होगा वो पंजाब के स्टूडेंट होंगे कि मेडिकल के एडमिशन को अगर किसी ने समझना है तो बड़े आराम से ये चीज को देख सकता है और समझ सकता है। देखिए, मेडिकल के एडमिशन के हवाले से ये बचपन के अरमान होते हैं, बचपन की ख्वाहिश होती है और उसके बाद एक सुहाना मुस्तकबिल आपकी आंखों में होता है कि जनाब ये मेरा ऐसा मुस्तकबिल होगा, इस तरह से मैं होऊंगा, इतना बड़ा डॉक्टर बनूंगा, इतना फलाना। वालदैन की ख्वाहिशात होती हैं, वालदैन के भी अरमान होते हैं, वालदा सोचती है, दुआएं करती है और बहुत कुछ कहती है कि सोसाइटी के अंदर मेरे बच्चे का एक स्टेटस जहां बनेगा वहां मेरे खानदान का भी स्टेटस बनेगा और साथ ही साथ ये है कि रिश्ता भी बड़ा अच्छा होगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चे की बच्ची की जिंदगी आगे की जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे किसी बात से इनकार नहीं है और मुझे इस बात से भी बिल्कुल इनकार नहीं है कि आपने 4 साल रियाजत की होती है। मैं 4 साल से पहले की उम्र की रियाजत को इस अंदाज से शुमार नहीं करता कि वो एक और तरह की रियाजत और एक जनरल किस्म की रियाजत होती है, लेकिन ये जो आखिरी 4 साल होते हैं यानी 9th, 10th और उसके बाद 11th और 12th, ये जो 4 साल है ये तो सही रियाजत के गुजरते हैं। वालदैन हर वक्त कहते हैं पढ़ते क्यों नहीं हो, ये फलानी काम क्यों नहीं कर रहे और इस तरह से ये फलानी चीज, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि जब आपको इस बात को समझना है कि मेरा एडमिशन कैसे कंफर्म होगा और होगा या नहीं होगा, उसकी क्या पोजीशन होगी। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में हमारे पास 3780 टोटल सीटें हैं, जिनमें से आप 240 सीटें जो है वो डेंटिस्ट्री की अलग कर दें तो उसके बाद 3405 सीटें हमारे पास बचती हैं और इन्हीं के ऊपर फिर सारे कैंडिडेट आते हैं। और आमतौर पर पिछले 3-4 साल 5 साल के अगर हम रेशो को देखें तो हर साल तकरीबन 65,000 के आसपास बच्चे मेडिकल के टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। अब इतने सारा नंबर जो अपीयर होता है और उसके बाद कंपटीशन जो होगा वो 3405 सीटों के ऊपर होना है और उसी के ऊपर सारी चीज बननी है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारी कामयाबी मिलेगी कैसे, मैं आपको एक बात और समझा दूं कि याद रखिए कि कामयाबी जो है वो सिर्फ हार्ड वर्किंग से नहीं मिलती। कामयाबी कभी किसी इंसान को दुनिया में सिर्फ हार्ड वर्किंग की बुनियाद पर नहीं मिली। याद रखिए कि कामयाबी आपको मिलती है आपकी स्ट्रेंथ की बुनियाद पर, कि अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी स्ट्रेंथ, कौन कौन सी काबिलियत, कौन कौन सी सलाहियत आपको दी है। अगर आप उन्हीं सलाहियतों को बुरे काल लाएंगे, फर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपको चीजों को एब्जॉर्व करने की, परसीव करने की, अंडरस्टैंड करने की एक खास तरह की सलाहियत दी है, फार्मूलाज को, मुख्तलिफ चीजों को अंडरस्टैंड करने की एक और तरह की सलाहियत दी है, तो फिर इसका लाजमी सा मतलब यह है कि आप अगर उसी वे से काम करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात इसके साथ साथ ये भी है, मैंने किसी एक और वीडियो के अंदर भी आपको ये बात समझाई थी कि कामयाबी के लिए 4 C's का होना भी बड़ा जरूरी होता है और इस 4 C's के अंदर मैंने ये बात बड़े अच्छे तरीके से आपको डिटेल से समझाई है कि नंबर 1 क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपका माइंड कितना क्लियर है अपने कॉज के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने टारगेट के लिए। कमिटमेंट, आपकी कैसी कमिटमेंट है, कितनी कमिटमेंट है, कितना आप कुछ कर रहे हैं। उसके बाद है कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने काम के लिए और अपनी मेहनत पर और अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए। और उसके अलावा फिर यह है कि आपके अंदर कॉम्पिटेंसी कितनी है, यानी आपने उस काम को, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए अपने आप को कितना अप किया है और अपने आप को कितना आपने मतलब इक्विप किया है कि ताकि आपको वो लाजमन कामयाबी मिल सके। ये चीजें होंगी तो आपको वो चीज मिल सकेगी। अब मैं आपको ये बात समझाता हूं कि पंजाब के अंदर अगर आप रहते हैं, पंजाब का डोमिसाइल है आपका और उसकी बेस पे आपने पब्लिक सेक्टर को टारगेट किया है और किंग एडवर्ड में दाखिला चाहते हैं, अलामा इकबाल में चाहते हैं, फातिमा जना में चाहते हैं वगैरह वगैरह, मिश्र में, रावलपिंडी में वगैरह, जो भी आपके सामने हो। लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं कि देखिए, अगर पंजाब के अंदर
2023 की बात करूं तो उस वक्त हमारा 90.49% हमारा मेरिट रहा है, यानी लास्ट ईयर 2023 में 90.49 आपका मतलब वो बॉटम लाइन है। अब इस लाइन से ऊपर आपको रहना है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब उस सिंपल बात का मतलब क्या हुआ, अब ये है कि आपके मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज को बहुत ज्यादा है नहीं, और दूसरी साइड पे आपके एफएससी की वेटेज है और आपके एंट्री टेस्ट की वेटेज है, एमडी कैट की वेटेज है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी को सामने रखकर आप काम करेंगे तो तभी आप टारगेट को अचीव करेंगे। अच्छा, अब अगर फर्ज किया कि आपके मार्क्स मैट्रिक के अंदर 850 भी हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरी साइड पर एफएससी के अंदर 1000+ मार्क्स होने चाहिए, ये मिनिमम लेवल में आपको बता रहा हूं, यानी इससे ऊपर। और उसके बाद फिर आपको एमडी कैट के अंदर आप यूं समझें कि 91% आपको स्कोर करना है, किसी भी सूरत में 91% स्कोर करना है। अब ये अगली बात है, अलग बात है कि 95% स्कोर को भी इंश्योर किया जा सकता है, लेकिन कैसे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह, और आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से इन मार्क्स को लेना है। अच्छा, अब यहां भी जो हमारे बात करने की है वो ये सिर्फ ये है कि देखिए आपको इस लाइन से नीचे नहीं आना, यानी एमडी कैट जो है वो 91% से नीचे ना आए, और आप एफएससी के अंदर आप 1000 से ऊपर हो, और मैट्रिक में आप 850 से ऊपर जहां कहीं पे भी हैं वो ठीक है, वो डेफिनेटली आप ऊपर ही होंगे, वो कोई मसला नहीं, ये जो पोजीशन है तो फिर आप सेफ साइड में हैं। लेकिन फर्ज किया कि आप कहते हैं कि मैट्रिक में मेरे 1000 मार्क्स हैं और एफएससी में आके मेरे जनाब 1000 से ज्यादा सा 2-4 मार्क्स नीचे आ गए हैं, फिर और एमडी कैट में भी आप कह रहे हैं कि जनाब 91 नहीं 90 पे हो गए। अच्छा, अब आप 50-50 पे चले गए, 50-50 इसलिए आप चले गए हैं, यानी ये बात मैं आपको इस अंदाज से मार्क्स की शक्ल में आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस शक्ल में आप आ गए हैं, इस पोजीशन में आ गए हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब किसी कैलकुलेशन के बगैर मैं आपको मार्क्स की बेस पे आपको बता रहा हूं कि फिर आप 50% पे। फिर चांस है कि हो सकता है कि साहिवाल कॉलेज में या रहीम यार खान में या किसी दूर दराज के कॉलेज में आखिर पे आखिरी लिस्ट के अंदर आपका कहीं नाम आ जाए, लेकिन आप अपने आप को कंफर्म नहीं समझ सकते इसलिए कि आपने थोड़ा सा नीचे आ गए। लेकिन वो जो पहली लाइन मैंने आपको बताई है कि आप 1000 से ऊपर हैं एफएससी और 91 से ऊपर हैं आप एमडी कैट, ये कंफर्म लाइन है, फिर आपका एडमिशन कंफर्म है, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसी चीज को टारगेट करना है। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके एफएससी के नंबरों के हवाले से मैं मुतमईन हूं कि इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर होंगे, मैट्रिक के भी होंगे, मसला सिर्फ है एमडी कैट का कि एमडी कैट में कैसे नंबर लेंगे। ये चीज इंशाल्लाह अगली मुलाकात में, इत्मीनान रखिए और अपने जहन को पुरसकून रखिए, कोई भी चीज आपको उलझन करती है, कोई प्रॉब्लम करती है वो पूछिए, इंशाल्लाह उस पर नई वीडियो भी आ सकती है, और आपका काउंसलर और आपका एडवाइजर आपके साथ है, और कदम ब कदम आपको इंशाल्लाह गाइडेंस मिलती रहेगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि एंट्री टेस्ट के अंदर 95% स्कोर कैसे किया जाता है। बहुत शुक्रिया।